दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने एसडी कार्ड के डिलीटेड फोटोज को रिकवर कर सकते हो, चाहे वो फोटोज किसी भी वजह से डिलीट हुए हो, चाहे वो एक्सीडेंटल डिलीशन हो, एसडी कार्ड फॉर्मेटिंग हो, इम्प्रॉपर ऑपरेशन हो, आपने गलती से डिलीट कर दिए हो, या फिर आपका एसडी कार्ड डैमेज हो गया हो, क्रैश हो गया हो। किसी भी वजह से अगर आपके एसडी कार्ड की फोटोज डिलीट हो गई है तो उन्हें आप बहुत ही आसानी से रिकवर कर सकते हो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही कमाल का रिकवरी सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सबसे पहले आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो ये है 4D डिग डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर। बहुत ही बेहतरीन कमाल का सॉफ्टवेयर है। इससे आप अपने एसडी कार्ड, सीएफ कार्ड, मेमोरी कार्ड, मेमोरी स्टिक, एक्सडी कार्ड, किसी भी तरह का कार्ड हो जिससे आपकी फाइल्स डिलीट हो गई हो, उन्हें आप बहुत ही आसानी से रिकवर कर सकते हो। साथ ही साथ यहां पर आपको 2000 प्लस फाइल टाइप्स का ऑप्शन मिल जाता है। किसी भी तरह का फाइल फॉर्मेट हो तो उसे भी ये सपोर्ट करता है, आप आसानी से रिकवर कर सकते हो। ये विंडोज 11, विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज 7 सभी के साथ प्रॉपर काम करता है। तो सबसे पहले यहां पर आप देख रहे हैं फ्री डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। फ्री डाउनलोड पर हमें क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। तो फ्री डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो जैसे आप फ्री डाउनलोड पर क्लिक करोगे यहां पर ऊपर राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं एक exe फाइल यहां पर डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद हमें इस फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये कुछ परमिशंस मांगेगा, उसे आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है, यस पर क्लिक कर देना है, इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है और इस सॉफ्टवेयर को अपने पीसी पर इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट, अब आप यूज नाउ पर क्लिक कीजिए। टेक्नोशियम 4D डिग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद जब हम इसे ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। टेक्नोशियम 4D डिग, इस साइड आपको यहाँ हार्ड ड्राइव, एसडी कार्ड, क्रैश पीसी, एनहांस वीडियो रिकवरी, फोटो रिपेयर, वीडियो रिपेयर, डिस्कवर, ये सब ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो भी हार्ड ड्राइव है, जो भी फोल्डर है, वो सब आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपना एक एसडी कार्ड कनेक्ट कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले एसडी कार्ड को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारी ये सी ड्राइव शो हो रही है और ये हमारा एसडी कार्ड यहाँ पर शो हो रहा है। इसके अंदर मेरे कुछ फोटोज और फाइल्स हैं, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके अंदर बहुत सारे फोटोज हैं, वीडियो है, कुछ पीडीएफ फॉर्मेट में कुछ फाइल्स हैं। सारा डेटा हमारे एसडी कार्ड के अंदर है। अब मान लो ये सारा डेटा मैं डिलीट कर देता हूँ, अपने एसडी कार्ड को फॉर्मेट कर देता हूँ। सिंपल, इस कार्ड को यहाँ से मैं फॉर्मेट कर दे रहा हूँ। स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा एसडी कार्ड फॉर्मेट हो चुका है। अब इसके अंदर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अब हम इसे रिकवर करेंगे अपने 4D डिग सॉफ्टवेयर से। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये हमारी यहाँ पर हार्ड ड्राइव दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर भी आपका एसडी कार्ड दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से भी इसे स्कैन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एसडी कार्ड का अलग से ऑप्शन दिया गया है। एसडी कार्ड पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना एसडी कार्ड दिखाई देगा। इसके अंदर सारा डेटा हमने फॉर्मेट कर दिया है, तो इसके अंदर अभी कोई डेटा नहीं है। रिकवर करना है तो रिकवर करने के लिए सबसे पहले यहाँ स्कैन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपको फोटो चाहिए, वीडियो चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, ऑडियो चाहिए, अदर चाहिए, ये सारे के सारे चाहिए। तो जो आपको नहीं चाहिए वो आपको डीसिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर केवल अपने कुछ फोटोज को ही रिकवर करना चाहता हूँ, तो फोटोज को मैंने सिलेक्ट कर लिया, बाकी सबको मैंने डीसिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर से आपको स्कैन ओनली फोटो पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा, ये एडवांस्ड स्कैनिंग यहाँ पर चल रही है। नीचे आप देख रहे हैं एडवांस्ड स्कैनिंग चल रही है। स्कैन कंप्लीटेड, चेक एंड रिकवर योर डेटा राइट नाउ। तो आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। जेपीजी 7 फाइल्स यहाँ पर हैं और पीएनजी 14 फाइल्स यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले मैं जेपीजी वाले फोल्डर पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे हमारी 7 फाइल यहाँ पर दिखाई देंगी। इसके अलावा इस साइड आप देख रहे हो अपनी फाइल्स का, आप प्रीव्यू भी यहाँ से देख सकते हो। प्रीव्यू पर क्लिक करूंगा तो पूरी फोटो मेरी यहाँ पर दिख जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ये 4 फोटो सिलेक्ट कर ली है, इन्हें मैं रिकवर करना चाहता हूँ। सिंपल, हमें रिकवर पर क्लिक कर देना है। और सबसे अच्छी बात है इसमें आपको केवल सिंगल क्लिक पर, अगर आप चाहो वन ड्राइव या गूगल ड्राइव में इसे डायरेक्ट सेव करना तो वो भी आप कर सकते हो। और यहां पर हमारी ये सी ड्राइव दिखाई दे रही है, इसके आगे एरो आ रहा है, इसे मैं क्लिक करूंगा और मैं इसे डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूं। डेस्कटॉप में सिलेक्ट कर ले रहा हूं, यहां से सेव नाउ पर क्लिक कर देंगे।
तो यहां पर अब आप देख सकते हो रिकवरी कंप्लीट हो गई है, ये डी फोल्डर यहां पर बन गया है। इसे ओपन करके देखोगे पीएनजी पर मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये चारों फोटो हमारे यहाँ पर रिकवर हो चुके हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है, इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रोसेस है वो काफी फास्ट है, बहुत जल्दी ही आपकी डिलीटेड फाइल्स यहाँ पर रिकवर हो जाती है और क्वालिटी भी पूरी तरह से मेंटेन रहती है। तो मेरा तो आपको यही सजेशन रहेगा कि एक बार आप इस सॉफ्टवेयर को फ्री डाउनलोड करके जरूर इस्तेमाल करके देखो। इसका डाउनलोड लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।